विश्वविख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा मां नर्मदा के नाभिकुंड नेमावर हंडिया पहुंचे, जहां उन्होंने बालमुकुंद सेवाश्रम में चल रही भागवत कथा में राजा परीक्षित और सुखदेव महाराज का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जीवन में असली गुरु का मिलना कठिन है। आप हम सभी सौभाग्यशाली हैं, नेमावर की पावन धरा पर साधु संत और सन्यासियों के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ आज भगवंत संत और ग्रंथ के रूप में त्रिवेणी का संगम हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सभी भक्तों का कल्याण होता है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा नेमावर पहुंचे, जहां उनकी अगवानी में कृषि मंत्री कमल पटेल, क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल ने फूलों से उनका स्वागत किया। सबसे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा जीवनदायिनी माँ नर्मदा के तट पर पहुंचे, जहाँ माँ नर्मदा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद कथा स्थल पर पहुंचकर नागौरिया पीठाधीश्वर विष्णु प्रसन्न आचार्य के सानिध्य एवं गया पीठाधीश्वर वेंकटेश्वर प्रसन्न आचार्य की भागवत कथा में शामिल हुए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने भागवत कथा में कहा कि जब भी हम प्रभु की कथा का श्रवण करते हैं तो उस समय हमारा चित्त नहीं भटकना चाहिए, तभी कथा सुनने का फायदा है, नहीं तो सुनने का कोई मतलब नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपना वक्तव्य भजन तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी सुनाकर समाप्त किया। इस मधुर भजन को सुनकर पंडाल में मौजूद सभी लोग भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। स्वामी विष्णु प्रसन्न आचार्य ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा में समस्त भारतीयों को यही संदेश दिया कि अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। समस्त सनातनियों को, भारतीयों को, उनके मूल संदेश यही था कि अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखें और एक स्नेह के कारण मां नर्मदा के दर्शन के लिए वो समस्त वैष्णवों पर कृपा करने के लिए उपधारे और आगे भी भविष्य में आना जाना लगा रहेगा और सबको दर्शन होते रहेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।